पिछोर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के मेन गेट पर पड़ा हुआ है कई दिनों से सड़ा हुआ कचरा। आसपास के लोग अपने घरों का सारा कचरा स्कूल के मेन गेट के दरवाजे पर फेंक देते हैं, जिससे वह कचरा वहीं पर पड़ा रहता है और स्कूल में आने जाने वाले विद्यार्थियों एवं स्कूल के स्टाफ को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन पूरे पिछोर में कचरा गाड़ी घर घर से कचरा उठाती है, लेकिन कुछ लोग इतनी सुविधा मिलने के बावजूद भी कचरा गाड़ी में कचरा नहीं फेंकते और स्कूल के दरवाजे ही अपने घरों का सारा कचरा फेंक देते हैं, जिससे गंदगी फैल रही है और स्कूल में बने गणेश मंदिर में आने जाने वाले लोगों को कचरे की बदबू सहन करना पड़ती है। इस कचरे से मच्छर पैदा हो रहे हैं और बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। इस मामले में जब हमने स्कूल के प्राचार्य से बात की तो उन्होंने बताया कि कई बार नगर परिषद कार्यालय में भी आवेदन दे चुके हैं, एसडीएम महोदय को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही स्कूल के गेट के पास पड़े कचरे को उठाया गया। और आपका सत्यम पाठक, सत्यम पाठक जी। अच्छा, ये बेटा ये कचरा डला है स्कूल के गेट पे, तो आप लोगों जब आते जाते हैं तो कैसा लगता है, बदबू वगैरह? बहुत तेज बदबू आती है और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। अच्छा, तो ये कचरा कब से डला हुआ है, कब से देख रहे हैं? जब बहुत दिन हो गए। अच्छा, बहुत दिन हो गए। तो इसकी जो है आपके प्रिंसिपल वगैरह ने शिकायत की है बड़े अधिकारियों को? हाँ की है, पर कोई आता ही साफ ही नहीं करता, कोई सफाई नहीं हो रही। सर, ये विद्यालय के पास कचरा डला है मेन गेट पर, ये इसकी सूचना आपने नगर परिषद में या किसी अधिकारी को दी? जी हाँ, हमने नगर पालिका के लिए भी लेटर दिया है, एसडीएम साहब को भी लेटर दिया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, ये सर कचरा कब से डला हुआ है? ये सब अभी बरसों से डलता चला आ रहा है और इस पर हम लगातार पत्र व्यवहार करते रहे हैं, लेकिन कभी कभार सफाई नगर पालिका से हो जाती है, लेकिन स्थायी रूप से इसका निदान नहीं किया जाता। अच्छा, ये कचरा कौन लोग डालते हैं? कुछ ये यही बस्ती वाले जो लोग रहते हैं वही वो ही कचरा डालते हैं। अच्छा, यहाँ मंदिर भी है? और मंदिर भी है और बच्चों को भी आने जाने में असुविधा होती है और कई बार मौके भी लोगों से कह चुके हैं कि ये नहीं डालें यहाँ पे गेट पर, लेकिन मानते नहीं, बदबू आती है, बीमारी भी आती है और बीमारी भी।